हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हवाना सिंड्रोम क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसका क्या इलाज है। तो सीधी बात, नो बकवास। तो इस बीमारी को 2016 में पहली बार क्यूबा के कैपिटल हवाना में यूएस के कुछ एम्प्लॉय में पाया गया था, जो कि यूएस एम्बेसी में काम कर रहे थे, इसलिए इस बीमारी को हवाना सिंड्रोम कहा जाता है। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो इसके कई सिम्टम्स हैं, जैसे कम सुनाई देना, कम दिखाई देना, तेज सिरदर्द होना, कमजोरी महसूस होना, याददाश्त कमजोर हो जाना इत्यादि। अभी तक इसके कोई खास सिम्टम्स का पता नहीं लगाया गया है। तो अब ये सवाल आता है कि ये फैलता कैसे है, इस बीमारी के पीछे क्या रीज़न है। दोस्तों, अभी तक ये नहीं मालूम हो पाया है कि ये फैलता कैसे है, लेकिन कुछ लोगों का और कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये बीमारी रेडिएशन के वजह से फैला है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये बीमारी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से होता है। दोस्तों, अभी तक इस बीमारी का ना ही वजह मालूम हो पाया है और ना ही कोई परमानेंट इलाज। सो दोस्तों, ये थे कुछ बातें हवाना सिंड्रोम को लेकर के। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।